अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूँ सिद्रा सती। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं यहाँ G7 में। सस्ता बाज़ार लगाया गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। तमाम पाकिस्तान में इस तरह के बाज़ार लगाए गए हैं ताकि रमज़ान में लोगों को कम रेट्स पर जो है वो चीज़ें मुहैया की जाएँ। नाज़रीन, यहाँ पर चलेंगे, देखेंगे कि लोगों को आया मियारी अशिया जो है वो दस्तयाब हैं, आया उन अशिया के कंट्रोल जो रेट कंट्रोल है उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और अगर कोई ज़्यादा नर्ख में चीज़ें बेच रहा है तो उस पर क्या पेनल्टी दी जा रही है और किस तरह से इस चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है, यहाँ पर मौजूद लोगों से जानते हैं और यहाँ पर इंतज़ामिया से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान, ये बताइएगा कि सस्ते बाज़ार के इनेकाद से आप कितना मुत्तफिक हैं? आपको लग रहा है कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो सही रेट्स पे दस्तयाब? भाई कुछ बेहतर है मार्केट से, लेकिन ये कि जिस तरह होनी चाहिए रमज़ान में उस तरह नहीं है। कि जैसे प्याज की प्राइस देख लें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो बाकी चीज़ें भी इसी तरह ही हैं। भाई कुछ फ्रूट्स में है कुछ कमी, लेकिन वो फ्रूट इस तरह है कि जिस तरह वो खाने के काबिल नहीं है। तो पैसों में तो कमी कर दी इन्होंने, लेकिन वो जो उसकी जो चीज़ की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रमज़ान से अगर आप इस रमज़ान को देखते हैं, तो गुज़िश्ता रमज़ान में तो चीज़ें और उनकी कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही थी, तो इस बार कुछ बेहतरी है? मैंने तो जब से अपनी होश संभाली है रमज़ान में यही देखा है कि चीज़ें महंगी हुई हैं। पाकिस्तान में कभी ये नहीं सुना कि हाँ जी ये चीज़ें सस्ती हो गई हैं, इतनी डिस्काउंट आ गई। बाकी मुल्कों में होती है डिस्काउंट, होती है वही प्राइस रहती है, लेकिन यहाँ पे नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब्ज़ी आप किस रेट पे दे रहे हैं, अव्वल और दोम में क्या फ़र्क? अव्वल और दोम जो हल्की चीज़ होती है ना, वो यानी कि नरम होती है उसको दोम कहते हैं, जो अच्छी होती है वो। दोनों के रेट में कितना फ़र्क है? थोड़ा ही फ़र्क है, इतना खास फ़र्क नहीं है जी। सेल कैसी जा रही है जी? सेल कैसी जा रही है? सेल कोई नहीं, इधर काम कोई नहीं है, इतना लोग नहीं आ रहे। बिल्कुल नहीं आ रहे, सुबह के फारिग बैठे हुए थे, अभी को थोड़ा सा माहौल बना है। नहीं तो ये रेट लिस्ट की वजह से नहीं, मतलब है कि लोग सेटिस्फाइड नहीं है इस वजह से या कुछ और वजह है? वैसे भी मैडम जगह जगह पे बाजार लगे हुए हैं, हर मोहल्ले में तो बाजार लगा हुआ है, तो लोग वो अपने करीब करीब बस जाते हैं जिधर उनको ज़्यादा सहूलत होती है। अच्छा, तो हुकूमत के इस इकदाम से आप मुत्तफिक हैं, कुछ सेटिस्फाइड हैं जो सस्ते बाजार लगाए हुए हैं? सस्ते तो लगाए हुए हैं, तो यहाँ तो फिर चीज़ें सस्ती करें तो जो दुकानदार बैठे हैं उनको कोई रिलीफ दें ना, तो फिर हम तो मंडी से ही लेके आते हैं, जो रेट उधर होते हैं वही देने पड़ते हैं ना हमें। वैसे ये कहते हैं कि जी नर्ख बढ़ा दिए जाते हैं और ज़खीरा अंदोजी शुरू कर दी जाती है, तो आप बताएं क्या एक आम सब्ज़ी वाला भी इस चीज़ से सफ़र कर रहा है या नहीं? नहीं, आम सब्ज़ी वाले ने क्या करना, ये बड़े लोगों के काम होता है। वैसे भी सब्ज़ी इतनी स्टोर तो होती नहीं है, ये तो सीज़न का हिसाब होता है, जो ज़्यादा होती है वो काम मिलती है, उसमें कोई इतना खास अमल दखल नहीं होता हुकूमत का। नहीं, आप लोग भी सताए हुए हैं महंगाई के? बहुत ज़्यादा जी, ये 200 रुपये यानी कि 2000 रुपये के दड़ी मिल रहे हैं उधर मंडी में, 400 रुपये किलो, इधर भी 400 रुपये के रेट है। आप लोग भी खुश नज़र नहीं आ रहे? खुश किधर होंगे जी, मजदूरी वाला काम ही कोई नहीं है, बैठे हुए हैं बस ऐसे वक्त पास कर रहे हैं, कोई बचत नहीं हो रही, कोई इतनी खास बचत नहीं, बिल्कुल ऐसे ही बस। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आप? वालेकुम सलाम, मेरा नाम जाहिद है जी। अच्छा जाहिद, ये बताइएगा यहाँ पर सस्ते बाज़ार में आप ख़रीदारी के लिए हैं, आपने ख़रीदारी की, कितना मुत्तफिक हैं, कुछ जैसे कह सकते हैं डिस्काउंट पे चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं है? बस थोड़ा बहुत फ़र्क है हम मार्केट के लिहाज से, लेकिन ये जब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ उसकी वजह से कीमतें आसमान से जा बातें करने लगी हैं। लेकिन आप जब बाज़ार से पिछले रमज़ानों में ख़रीदते होंगे और इस बार आप ख़रीद रहे हैं, कुछ आपको फ़र्क मिला है? नहीं, पिछले की नस्बत इस अब यानी बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। यानी सस्ता बाज़ार लगाने का फ़ायदा नहीं हुआ? सस्ता बाज़ार लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, महंगाई तो इस कदर हो गई है कि जीना मुश्किल हो गया है। 140 रेट है, तो इशू कौन सा रेट हुआ? रेट यही है 140, पिशौर मोड़ बाज़ार का भी है, सस्ते बाज़ार का भी एक ही रेट है। अच्छा, उसमें पीछे से आपको क्या रेट मिल रहे हैं? वो सर तो महंगा पड़ता है, 120-130 खुद पड़ते हैं। तो क्या कहते हैं कितना फ़ायदा आपको एक उस पर हो रहा है? फायदा तो 10-5 रुपये ने साढ़ा। आप खुश हैं सस्ते बाज़ार से? सारे खुश ने, सारे सस्ता बाज़ार होना है तो लाना ही है। सेल सही हो रही है? बस गुजारा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आप? मेरा नाम मलक एहसान है।
मलिक एहसान साहब, ये बताएगा कि इस साल जो हुकूमत ने सस्ते बाज़ार लगाए हैं पूरे इस्लामाबाद में या पूरे पाकिस्तान में, इससे इस हवाले से आपको कितनी मतलब मदद अभी तक मिल चुकी है? मतलब रमज़ान है, चीज़ें जो हैं वो आम बाज़ारों में महंगी मिलती हैं, तो यहाँ पे कुछ फ़ायदा हो रहा है आपको? हाँ, मार्केट में महंगी है, जो इस्लामाबाद में जितने भी बाज़ार लगे हैं और पिंडी में वो सस्ते हैं, उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा। मंडी में चले जाएँ, मंडी भी महंगी है, जो चीज़ वहाँ 500 की है यहाँ 300 की है। सब्ज़ी ले लें, आलू ले लें, प्याज ले लें, टमाटर ले लें, लेमन ले लें, कोई भी चीज़ है बाज़ार में हर एक चीज़ ठीक माशाल्लाह ठीक रेट पर बिक रही है। अच्छा, यहाँ पे जो बाज़ार लगा हुआ है, आपने इससे ख़रीदारी की है? जी, अभी करने आया हूँ। अच्छा, अभी तक रेट्स मालूम नहीं किए? नहीं, रेट लिस्ट मैंने चेक की है, ठीक है, गवर्नमेंट के रेट ठीक है। और ये बताइएगा कि चीज़ों का मयार कैसा है, मतलब ये मयार ठीक है? मयार भी ठीक है। आप इस मुत्तफिक हैं जो मतलब हुकूमत ने स्टेप लिया? जो हुकूमत ने स्टेप लिया है बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ, और ठीक मेयारी चीज़ें बिक रही हैं, कोई गैर मेयारी चीज़ नहीं बिक रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि आज आप यहाँ सस्ते बाज़ार में मौजूद हैं, यहाँ पे आपने ख़रीदारी की है, आम मार्केट से, आम शॉप से आप इन रेट्स को कैसे देख रही हैं? मेरा ख्याल है कि रेट्स का कोई खास फ़र्क नहीं है, अगर 10-20 रुपये का फ़र्क भी है तो लेकिन उसमें चीज़ों की वैरायटी और क्वालिटी में काफ़ी प्रॉब्लम है। अगर आप बाज़ार में जाते हो, 70 रुपये की कोई केजी लेते हो, तो आप अपनी चीज़ से मर्ज़ी की चीज़ों को पिक करके तो आप उसको तोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको मिक्स चीज़ मिलती है और प्राइस का भी कोई खास फ़र्क नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से उसमें सामान में से उठाएं? नहीं नहीं, बिल्कुल हम लोग हाथ नहीं लगा सकते, बल्कि वो मिक्स करके उसमें से जो फेंकने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे टमाटर हो गए, प्याज हो गए या ख़राब चीज़ें, उनको मिक्स करके उसमें तोल के देते हैं। लेकिन ये बताइएगा, गुज़श्ता रमज़ान से इस रमज़ान को आप अगर कंपेयर करें तो क्या चीज़ें जो हैं वो सस्ती मिल रही हैं? मेरा ख्याल है कि अगर ऑल ओवर पाकिस्तान देखें, रेगुलर जैसे हम रूटीन में चीज़ें चला रहे हैं, तो उसमें वैसे ही काफ़ी हाई प्राइसेस हैं, तो उसमें हर चीज़ ही क्योंकि महंगी हो चुकी है, तो हम लोग सब्ज़ी या ये जो फल वगैरह, इसकी क्या किसी को शिकायत करें। तो लाइफ इज़ वेरी एक्सपेंसिव, उस पर यह कि ये चीज़ महंगी क्यों और वो सस्ती क्यों नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एवरी सिंगल थिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव है, तो ये नहीं कह सकते कि कुछ भी फ़र्क है। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं G7 सस्ता बाज़ार के एडमिनिस्ट्रेशन से इनका ताल्लुक है, राजा खालिद महमूद नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी राजा साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पर प्राइस लिस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? प्राइस कंट्रोल लिस्ट जो है जी, CDA जो है वो डेली बेसिस पे रेट लिस्ट जो है वो रेट मुहैया कर रही है, उनके नुमाइंदे जो है वो मंडी में जाते हैं, वहाँ से फिर रेट करके फिर उसको रेट को फाइनलाइज करते हैं, 5% या 4% वो जो है प्रॉफिट डिस्काउंट देते हैं हम। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग इसकी जो इससे कह सकते हैं शफाफियत को कैसे जो है आप लोग इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, यानी कि कोई अगर यहाँ पे आता है, महंगा ले जाता है फ्रूट या महंगी सब्ज़ी उसको बेच दी जाती है, तो अगर कोई पकड़ा जाए तो उस पर कोई फ़ाइन वगैरह कर रहे हैं आप? देखिए जी, अभी तो आज दूसरा दिन है, मेरे ख्याल में किसी ने ओवर चार्जिंग तो की नहीं है, रेट के मुताबिक ही चीज़ें दी जा रही हैं। और पहले तो आपको मैं बता दूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी नहीं हूँ, ठीक है जी, ये क्लियर कर दूं, आप खाम खाम मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में ला रहे हैं, तो वो ये नो DC साहब कहते हैं आप कहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए, तो मैं लोकल UC की तरफ से यहाँ पे मुंतखब हूँ, मुझे उन्होंने यहाँ पे बिठाया, मैं बेसिकली मैं CDA के जितने बाज़ार लगते हैं मैं उनका जनरल सेक्रेटरी। CDA के तमाम बाज़ार को आप जनरल सेक्रेटरी, लेकिन मतलब इंतज़ामिया में ही हुए ना, आप सारे यहाँ के इंतजाम देख रहे हैं, तो फिलहाल आप यहाँ के इंतज़ामिया हुए ना, तो मतलब यहाँ पर कुछ गलत होता है तो आप जवाब दे होंगे। ये बताइएगा कि यहाँ पे कुछ सब्ज़ी फरोश और फल फरोश जो हैं कंप्लेन कर रहे हैं कि सेल उस तरह से नहीं हो रही है, उसकी क्या वजूहत है? उसकी बुनियादी वजह तो महंगाई तो है ही है, मैं समझता हूँ अगर ज़खीरा अंदोज़ों को आप कंट्रोल कर पाएँ तो मेरे ख्याल में ये महंगाई का जोर टूट सकता है, क्योंकि ज़खीरा अंदोज़ जो है बेसिकली वही है जो पीछे होल सेलर बैठा हुआ है, उसने स्टॉक की हुई चीज़ें, वो जहाँ पर उसने 10,000 सेब की पेटी स्टॉक की हुई है तो वो उसने अपनी मर्ज़ी से बेचनी है, क्योंकि ये पेटी 2-3 दिन पहले ये 1200 की सेब की पेटी थी, आज वो 3000 की हो गई, कि वो 200 निकाल के बेच देता है, जो जिसने उनके पैसे देने होते हैं वो उनको सामान दे देते हैं, यही सिलसिला है। ज़खीरा दोनों को आप पकड़ेंगे तो मेरे ख्याल में ये महंगाई का जोर टूट जाएगी। अच्छा, और ये बताइएगा कि मयार को किस तरह से यकीनी बनाया जा रहा है, यहाँ पर मयारी अशिया दी जा रही है, और अगर दी जा रही है तो उसके मयार
को मतलब यकीनी किस तरह से बना रहे हैं आप लोग? देखिए जी, मेयार तो आप रेट लिस्ट आपके हाथ में है और अव्वल और दोम का रेट लग रहा है और अव्वल भी है और दोम भी है, लेकिन रेट जो है वो उसके अव्वल और दोम के बाद जो एक तीसरी कैटेगरी भी तो आती है ना, जिसमें गले सड़े हुई चीज़ें होती हैं, उसका बताएं कि कुछ लोग मैंने देखा है कि वो बेच रहे हैं तो उसमें अच्छा माल भी डाल रहे हैं, गंदा माल भी डाल रहे हैं, तो जब वो एक के अव्वल के पैसे दे रहा है तो उसको दोम का तो नहीं मिलना चाहिए ना? देखिए जी, मेरे ख्याल में यहाँ पे तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, आपके सामने ही है मधुर से स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पे गली सड़ी चीज़ तो है नहीं है। गली सड़ी, वो पहली तो बात यह है कि जो सार्फ है गाहक आता है वो लेता नहीं है, उसको उसकी कोशिश ये होती है कि मुझे 5 रुपये फालतू ले ले, चीज़ अच्छी दे नहीं। बट यहाँ पर लोग ये कह रहे थे कि ज़बरदस्ती जो है ना वो डाल देते हैं बीच में, अगर कुछ बोलो तो वो कहते हैं इस रेट पर यही मिलेगा। देखिए जी, पीछे मिक्स ही मिलता है, पेटी जब सेब की आती है तो उसमें छोटा दाना भी होता है और बड़ा दाना भी होता है, अब उसको दो मेल में करेंगे तो अव्वल दोम का रेट आ जाता है, तीसरी पोजीशन उसमें गंदी सड़ी कोई नहीं, एक ना बेचता है रमज़ान के महीने में ना कोई खरीदता है। सेब की क्या रेट लगा है? 100 रुपये। अच्छा, तो ये गिवन रेट कौन से हैं, कौन से आपको रेट्स जो हैं वो मुतायन किए गए हैं? यही बताए गए 120 बताए गए, 100 को बेच रहे हैं। कौन सी कैटेगरी का आपके पास सेब है? सफ़ेद नहीं, अव्वल है, दोए में अव्वल है, अव्वल के 100 रुपये, लेकिन यहाँ पर अव्वल के ठीक है, इसमें तो 160 रुपये दर्जन। नहीं, वो सफ़ेद अव्वल है ना, सफ़ेद दुयम फिर 60 रुपये के जी। तो ये वाला कौन सा है? ये अव्वल है, 120 से 100 रुपये भेज रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रिजवान आलम। रिजवान आलम, ये बताइएगा यहाँ से कुछ ख़रीदारी किया आपने? हाँ, यहाँ से मैंने थोड़ी सी ख़रीदारी की है और भी जगहों पर मैंने कंपेरेटिव चेक किया है, तो मुझे तो यहाँ पर थोड़ा बेहतर लगा है, लेकिन ये है कि काफ़ी जगहों से बहुत बेहतर है यहाँ पे। ये बताएं कि चलें रेट लिस्ट तो बेहतर है, लेकिन कैटेगरी क्या है, मतलब यहाँ पे जो अशिया मिल रही है क्या उसकी कैटेगरी, मतलब यानी उसकी क्वालिटी भी ठीक है या फिर गैर मियारी है? नहीं, गैर मियारी तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि जितने जिस हिसाब से यहाँ पर रेट लगे उस हिसाब से जो क्वालिटी वो ठीक है। अभी मैंने पीछे देखा था कुछ लोग थे वो कह रहे थे कि लीमू जो हैं वो अधकच्चे जो हैं फ़रोख किए जा रहे हैं, तो लीमू का तो इस्तेमाल डे टू डे बेसिस पे होता है, सो मतलब क्या ख्याल है आपका, चीज़ें कच्ची हैं पक्की हैं, मतलब सही मिल रही हैं? लीमू की तरफ तो मैंने देखे नहीं क्योंकि वो उसके रेट इतने ज़्यादा हाई हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है जब रेट नीचे आ जाएंगे तो उसके बाद देखें। असल में हमारा क्राइटेरिया या मैं मेरे वाले से पूछे तो मैं ये कहता हूँ जो चीज़ ज़्यादा महंगी हो जाती है मैं कोशिश करता हूँ उसको बवक्त ज़रूरत ही इस्तेमाल किया जाए, ना कि उसको छोड़ दिया जाए, वो जब खुद ही नॉर्मल हो जाती है तो फिर मैं उसको यूटिलाइज करता हूँ। यानी आप ओवरऑल जो है इस सस्ते बाज़ार के नकाद से बहुत खुश हैं? हाँ, काफ़ी बेहतर है, लोगों को काफ़ी रिलीफ मिल जाता है, एटलीस्ट ये है कि मतलब ना से हाँ है। ये कहते हैं ये बी क्वालिटी का एक रेट है जैसे हम पहली दफ़ा ले रहे हैं। अच्छा, तो आपने जो आपने क्या लिया जो मिक्स है? ये नहीं लिया, इसीलिए नहीं लिया कि ये छोटा मोटा एक जैसा मुझे देने की कोशिश कर रही है चीज़ के। तो इस हवाले से आप क्या? देखिए जी, आलू प्याज तो आपके सामने पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं, कैमरा भी लगा सकते हैं, लेकिन ये चाह रहे हैं ये हमारे सारिफ जो हैं हम इनको किसी तरीके से अपने कौमी भाइयों को राजी नहीं रख सकते। अगर हम सोना भी बेचें यहाँ पे बाजार में तो ये कहेंगे ये चीज़ ठीक नहीं है, ये हमारे है अक्सर। ठीक है जी, मेरी बात सुने, मैं 130 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, मुझे ये आलू बड़ा चाहिए। छोटा क्यों दे रहा है? मैं पैसे अपनी मर्जी के दे रहा हूँ, अपनी मर्जी के दे रहा हूँ, पैसे की देना मर्जी की देते आपके रेट पे जो रेट लगा हुआ है, जो रेट लगा हुआ है उसके मुताबिक ले लें, छांट के लेंगे तो फिर ज़ाहिर है दूसरा का। लेकिन अगर वो पूरे पैसे देना चाह रहे हैं उसके और वो सही क्वालिटी चाह रहे हैं तो फिर वो तो उन्हें देनी चाहिए ना। जब मंडी जाएंगे तो मंडी से नहीं, नहीं। इसी तरह से देखो ना, अच्छा मंडी पे इसी तरह मिलता है, ये बात नहीं है राजा साहब, इस तरह नहीं बिकता है, रेट अलग-अलग होता है। तो ये बात आप ठीक है, आप ठीक अपनी जगह पे, मैं ठीक अपनी जगह पे। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये बताए ना, तो जब ये क्या चीज़ है फिर, वो अगर लेना चाह रहे हैं उस रेट पे वो 130 भी देने को तैयार है? 100 देखें, 130 देंगे तो ये जो स्टॉल होल्डर है दुकानदार है वो खराब होगा, वो कहेगा जी बड़े बड़े छांट के लादा रख लो, 140 रुपये 30 रुपये बेच लो और जो गोली है उसको 80 रुपये बेच लो, बात वो खराबी पैदा होती है। एक आम सारिफ अगर मुतय्यन की हुई कीमत से ज़्यादा पैसे देके लेना चाह रहा है, क्वालिटी में लेना चाह रहा है, तो मेरे ख्याल में ये हकूक तो उसको मिलने चाहिए ना। देखिए जी, ये गरीबों के लिए बाजार है, जो क्वालिटी लेते हैं वो सुपर जना मार्केट में जाते हैं, इन सस्ते बाजारों में नहीं आते। यहाँ पे तो हर अमीर गरीब परेशान है ना, दोनों ही आए मार्केट में। गरीब ही आता है, गरीब 16 करोड़ गरीब अभाव है, उसको अपना शौर नहीं है, उसको अपना हक मांगने के लिए तो कभी यहाँ पे 5 रुपये के लिए वो हक मांगेंगे, लेकिन बाकी गवर्नमेंट से वो कुछ नहीं मांगे। मेरी बात सुनिए, ये अपना हक मांग रहे हैं, मैं कहता हूँ 120 दे,
क्वालिटी वाला 120 वो मिक्स मिलता है जो पीछे सर नहीं मिक्स मिलता, मैं आपको कहता हूँ जिम्मेदार बेचता है वो गोली मार के बेचता है, होलसेलर बेचता है वो भी उसी तरह। आप जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप गंदम बोरी बंद करके उसके अंदर तिनके डाल देना, उसका रेट और होगा, वो साफ गंदम का रेट और होगा। की बोरियों में मिट्टी भरी जाती है यहाँ पे, क्या ऐसा नहीं है, उसका रेट मुख्तलिफ होता है सर। आपकी तलाक आप माशाल्लाह बड़े हैं, आप जहाँ अगर पर आप मेक श्योर करवाए ना कि वो जब देने को तैयार है आप कल आ जाइए, ये भी आ जाए कल इंशाल्लाह इससे बेहतर क्वालिटी। आज क्यों नहीं, वो तो आज निकले ना, शायद वो टाइम निकाल के निकले, बहुत सारी मसरूफियत तर के निकले। 130 रुपए ले लो, 130 क्यों, इसका मतलब है कि ये फिर बात तो उधर ही चली जाती है। हम रोते हैं करप्शन से बचने के लिए, हम खुद 10 रुपए देके क्यों ऐसा काम नहीं। अगर 120 रुपए वाला चीज मुझे 120 रुपए की नहीं, अपनी मर्जी की डालने दे दो, कहता मैं मिक्स डालूंगा। मार्केट में सारा मार्केट ये पास है, ये वहाँ पे चले जाए, इनको 150 रुपए के 5 किलो आलू मिलेंगे। आप मेरे साथ चले रूह अफजा मार्केट में, इनको भी साथ ले चले, कैमरे भी साथ ले चले, मैं यही आलू अपनी मर्जी का। भाईजान आप मुझे पता है आप क्या कारोबार करते हैं, मुझे पता है आप, मुझे जानते हैं, मैं भी आपको जानता हूं, लेकिन बेस्ट हुए मैं आपको रुपया लेके दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि बात ये है कि देखिए क्वालिटी और क्वांटिटी जो पीछे से आती है वही लोगों ने सेल करनी है। देखिए ना बात यह, अब ये मंडी से लाया है, अब मंडी से 5000 की बोरी प्याज की है और 2800 की बोरी आलू की है, बताएं उसका तनासब निकाले क्या है। अब 18% देखें प्रॉफिट क्या दे रहे हैं, 5% आप दे रहे हैं हमें, 5% मिक्स करके 60 उसने खुद लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं, चाहे ये आपके पास भी लिखा हुआ है, ये आपके पास भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देख लें, ये लिखा हुआ है गोली आलू जो है छोटे वाला वो 60 रुपये है, ठीक है, और जो दूसरे वाला है फीका आलू वो 120 रुपये, ये मिक्स हमें 120 रुपये बेच रहे हैं, मीठा और फीका मिक्स। तो ये तो फिर देखें सवाल की बात है ना कि फीका और मीठा मिक्स क्यों बेच रहे हैं, जब पैसे वो अव्वल के दे रहे हैं। फीका मीठा तो है नहीं है, है ही फीका आलू, 60 रुपये वाला जो है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा देख गोली कौन सी, गोली देखिए, गोली इतनी सी होती है, गोली देख लें कि अव्वल कौन सा है, डोम गोली, ठीक है, चलें वो चल के फिर देखते हैं अव्वल डोम कौन सा है जी, दिखाइएगा अव्वल डोम कौन सा है, किधर गए अव्वल डोम दिखाएं ना आप कौन सा, अव्वल यही है डोम, इसको तो ये कह रहे हैं कि डोम भी है, ठीक है, वो इस मार्केट में दस्तियाब नहीं है। अच्छा अच्छा ये कहाँ पर मिल रहे हैं, ये एक निकल आया, अच्छा यहाँ पर इस बाजार में ये गोली आलू नहीं मिल रहा, यहाँ इस बाजार में नहीं है, यहाँ इस बाजार में गोली नहीं है, सिर्फ बंदों को गोली दी जा रही है, सारे बंदे इकट्ठे हो गए हैं इसकी गवाही देने के लिए, क्योंकि इन्होंने सामान अपना बेचना है। यार तुम अपने अपने ठियों पे जाके खड़े रहो, इससे बात हो रही है हमारी, ठीक है, यहाँ कहाँ लिखा हुआ गोली कहाँ है मुझे बताएं, किसी ठिये पे है, आया ही नहीं है, आया ही नहीं है, और ये मिक्स करके लोगों को उल्लू बना रहे हैं और साथ गवाहियाँ डलवा दी हैं साथ। अच्छा आप जो लेना चाह रहे थे उसमें ये मिक्स थे, ये मिक्स दे रहे थे, मगर ये तो कह रहे हैं कि यहाँ नहीं है। जी नाज़रीन जैसे कि आपने देखा यहाँ पर लोगों का कहना है कि अशिया की जो अशिया का मयार है वो इतना अच्छा नहीं है, रेट जो है वो ज़्यादा ही है। बहरहाल पिछले रमज़ान से अगर कंपैरिजन करें तो इस साल भी महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है, लोग बहुत परेशान हैं महंगाई की वजह से, सब्ज़ियाँ और फ्रूट उनको बहुत ज़्यादा महंगे दामों में बेचे जा रहे हैं। यहाँ पर सस्ते बाज़ारों में पर तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि हुकूमत के खौफ से डर से तो वो प्राइस को कंट्रोल कर ही लेते हैं, मगर अगर आप आम दुकानदारों को देखें तो उन्होंने तो अपने मन चाहे रेट पर चीज़ें बेची हैं, और यही हाल है आम बाज़ारों का, यही हाल है सस्ते बाज़ारों का, दोनों में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है लोगों का ये कहना है। अब हुकूमत को चाहिए कि वो इन पर एक ख़ास नज़र रखे और जो उन्होंने लिस्ट दी है उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट कराए। इसी के साथ मैं सिद्रा सत्ती इनसाइट से चाहती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।